नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज कल आई थी। तो बड़ी न्यूज ये है कि डीमार्ट का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर न्यूज में है कि डीमार्ट रेवेन्यू अप 46.6% टू 7,649 करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर। तो कल इनका रिजल्ट आया है। तो इनका जो इट स्टैंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 7,649 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। अगर इनका पूरा न्यूज पढ़ेंगे तो लिखा है, वेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड विच हैज ऑन्स एंड ऑपरेट्स रिटेल चेन डी मार्ट हैज रिपोर्टेड 46% इनक्रीज इन इट्स स्टैंड लोन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एट 7,649 करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर। हर 3 महीने में इनको रिजल्ट देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक, 30 सितंबर तक इनका इतना रेवेन्यू आया है, जिसमें इनको ये साफ लिखा हुआ कि इट्स टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ द सितंबर 30, 2021 स्टूडेंट। इतना स्टोर अभी इनका चल रहा है, 246 स्टोर इंडिया में अभी रनिंग हो रहा है। अगर और आगे देखेंगे तो लिखा कि इन द प्री पेंडेमिक जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इट हैड रेवेन्यू ऑफ 5,949 करोड़। तो प्रमोटेड द फैमिली रिटेल डी मीन बेसिक पर्सनल प्रोडक्ट अक्रॉस द मार्केट विच इंक्लूड्स, लाइक इनका भी स्टोर महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, NCR में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है। मैंने पंजाब वाला में शॉपिंग किया है, मैंने बेंगलोर वाले में शॉपिंग किया है, दो जगह तो मैंने देखा है, और बाकी का तो पता नहीं। बट अभी इनका जो नया स्टोर है वो फरीदाबाद में बहुत बड़ा लैंड में ओपन हुआ है। तो ये कंपनी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंपनी है, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि डीमार्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंपनी है। और जो राधाकिशन देवानी जी जो ये हैं, ये भी खुद ही बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बंदा है। इनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के जाने माने चेहरा हैं, और इनको पता है कि मैनेजमेंट कैसे चलाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो स्टोर है, तो जो इनका जो भी स्टोर है वो स्टोर इनका खुद का लैंड है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका खुद का स्टोर है। ये पहले क्या करते हैं कि लैंड बाय करते हैं, है ना, लैंड बाय करते हैं और फिर इसमें खुद का स्टोर खोलते हैं, ताकि इनको जो किराया और ये जो फालतू कुछ एक्सपेंसेस है उनको बच जाए, तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो इनका जो जो डी मार्ट का जो प्रॉपर्टी है, वो डी मार्ट का प्रॉपर्टी सिर्फ इनको सामान बेचना नहीं है, इनका जो लैंड है ना, ये भी इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ये भी उसी के एसेट में आता है। तो इसीलिए इनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका जो बचत है बहुत ही हाई लेवल पे है। और बहुत ही इनके पास देखोगे स्टोर में, तो इनके पास जो कर्मचारी हैं बहुत ही कम होते हैं, और सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और बिलिंग का जो काउंटर वगैरह वो भी कम होता है, इनके पास मशीन्स वगैरह भी कम होते हैं। तो जो मोस्टली ध्यान देते हैं कि ये सब चीज़ों पे एक्सपेंस ना करके वही सामान महंगा सस्ता करके वो बेचते हैं। और बाकी जो इनका जो कूपन वाला सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आप एक बार अगर 500 रुपये 400 रुपये का करते हो, तो इसमें आपको 200 रुपये का कूपन दे देंगे, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। बाकी इसको खरीदने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि कब खरीदना है, कभी भी खरीद लीजिए लंबे टाइम के लिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कभी कभी ना दे प्रॉफिट, बट लंबे टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला है। तो मैं तो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा होल्ड मैंने किया हुआ है, तो मेरा कोई डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो अपडेट था न्यूज वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा एक आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।